अरे ये देखियो भैया, ये देखिए आपको मोबाइल मिला है, एक नंबर सैमसंग का मोबाइल। अब इसी मोबाइल में मैं अपना वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग लाइक करते रहिएगा। हमारे यहाँ थोड़ा ध्यान दो, गरीब रिक्शा वाला है। 6 GB RAM वाला दिखाइए मुझे। 6 GB RAM, 128 GB है और 6 GB RAM है। सैमसंग मेड इन इंडिया। एक लड़की के पीछे भागे भी थे गांव में, लेकिन गरीबी के कारण हाथ में नहीं आया। प्यार पैसे से, प्यार पैसे से गमछा बांध देता है जैसा। बिहार का शान है तो बांध। ये रहा पहला खूबसूरत 20-25 पैसेंजर से पैसा इकट्ठा करके और देना नहीं चाहता, रिक्वेस्ट कर करके धीरे धीरे कटा देंगे। के लिए एक लिए वही तो पुराना रिक्शा 5-6 हज़ार मिल जाता है। दो बार लिए, दोनों बार चोरी हो गया, 50 रुपये कम से कम बचाएगा। अभी देखिए आपके मोबाइल में मैंने 3 महीने का जो पैक आता है वो डलवा दिया है। जिसमें आप रिक्शा में बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, आप बोले कि मैं मोबाइल दूंगा, मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे पैर तले जमीन खिसक गया। आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आप भगवान पे भरोसा कर बैठे हैं, क्या पता भगवान आप पे भरोसा कर बैठा है। चले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। ये जो मोबाइल है इसका नाम सैमसंग है। जय हिंद, जय भारत। तो इनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं सोचा क्या कि इनसे पूछा, बहुत बहुत बढ़िया ये कलाकारों का मिमिक्री करते हैं, तो मैं पूछा कि कहाँ से देखते हैं, तो ये बताएं। और उसके बाद से बोले कि योगी जी का मैं सीखने के लिए एक कस्टमर को जो है रिक्शा भाड़ा कम किया तो वो दिखाया। अच्छा। तो मैं सोचा कि एक इनको फोन दे देता हूँ ताकि ये कम से कम YouTube और Facebook देखते रहेंगे। हाँ। और उसपे अगर कभी कभी हो सके तो ये अपना वीडियो बनाते रहेंगे। तो कौन सा फोन इनके लिए अच्छा रहेगा? ये फोन आप देखा सकते हैं सर। देखिए सर बोल रही है, ये रिस्पेक्ट होना चाहिए। सिर्फ हम बड़े बड़े लोगों को सर बोलते हैं, अरे ये लोग एक्चुअल में जो है ना देश के भाग्य विधाता है ये लोग, लेकिन हम लोग जो है किसी नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भाग्य विधाता कहते हैं। सब एक समान है, इसीलिए मैं आपके दुकान में जो है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और लगातार आते रहता हूँ। पटना में बहुत सारा दुकान है, बहुत सारे दुकान में मुझे जानने पहचानने वाले लोग है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नाजिया। नाजिया मैडम इसका कितना दाम है? इसका आपको 10,500 सर। इससे थोड़ा बढ़िया दिखाइए। उससे बढ़िया फिर एक ये आएगा सर। ये आएगा आपको 14,000 रूपए में। 14,000 रूपए में। इसमें क्या है? 4 GB इसमें रैम। और इसमें? इसमें 3 GB RAM वाला। 3 GB, 4 GB, 6 GB RAM वाला दिखाइए मुझे। ये फोन आप ले सकते हैं। 6 GB RAM। ये 16,500 में आएगा। ये कौन सा सेट है? गैलेक्सी A13। A13 यही है जी। हाँ, वो 4 GB में है, ये 6 GB में है। और डिस्प्ले भी इसका बड़ा, सब कुछ सेम है सर। सब सेम है, रैम बढ़ जाएगा जी। ताकि रैम बढ़ जाएगा, रोम बढ़ जाएगा। इसमें 64 GB इंटरनल। हाँ। इसमें 128 GB इंटरनल। 128 GB जी। कितना बताया आपने दाम? ये 16,500। 16,500 इनके लिए ले रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं ले रहा हूँ जी। तो इनके लिए क्या डिस्काउंट दीजिएगा? इनके लिए जो बेस्ट होगा सर जरूर कर देंगे। क्या वही? पूरा पटना नहीं, पूरा देश देख रहा है आपकी बातों को। ये नाजिया मैडम है, ये रिक्शा वाले हैं और मैं मनीष कश्यप। हम सब जो है एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। इन्होंने अपने रिक्शा पे बिठा के जो है मुझे आर ब्लॉक से यहाँ तक ले गया है। अभी देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया है, ऐसे पसीना पसीना मैं भी हो जाता हूँ अक्सर। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगा, उससे ज्यादा होगा? उससे ज्यादा होगा। 3 किलोमीटर? हाँ, 3 किलोमीटर के आसपास। और हम लोग जो है उधर भी बहुत सारा दुकान है नहीं गए, तो नाजिया मैडम के पास आए हैं। अब नाजिया मैडम अपनी सैलरी से काट के या अपने अकाउंट से या जैसे भी हो डिस्काउंट देंगी। कितना डिस्काउंट देंगी ये खुद बताएंगे। इसमें आपको ICICI क्रेडिट कार्ड पे 1,000 रूपया कैशबैक है, वो मैं अपना कार्ड यूज करके वो कम कर दूंगी। हाँ। और स्टूडेंट ऑफर चल रहा है 5%, वो कम कर दूंगी। हाँ। तो अप्रोक्स ये आपको 15,000 रूपये तक आ जाएगा। और अप्रोक्स मैं 14,000 रूपया दूंगा तो सर फिर वो तो हम लोगों का लॉस हो। चलिए ठीक है, थोड़ा ये लॉस आएंगे, थोड़ा हम लॉस आएंगे, और तब जाके जो है एक व्यक्ति के चेहरे पे जो है मुस्कान बिखेरने का प्रयास करेंगे। और ये अभी जो है फोन किए थे अपनी बहन को, छोटी बहन है, तो अब मुझे लगता है कि फोन लेके जो है अपनी बहन के पास भी जाएंगे और उस बहन का भी हम लोग मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आप जो है 6 GB RAM वाला हमें एक सेट दे दीजिए। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोगों का सामान भी बहुत जल्दी लोग चोरी कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो कैसे आप इसको सेफ रखिएगा? इसको हम सेफ्टी रखेंगे सर, ये आप गिफ्ट दे रहे हैं इसको तो जान से ज्यादा हिफाजत तक रखेंगे। और इतना बड़ा उपहार तो हम कभी लगता है कोई भूल ही नहीं पाएंगे ऐसा अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है गिफ्ट सर, वो अमिताभ बच्चन कहते हैं तोहफे देने वाली की नीयत देखी जाती, तोहफे की कीमत नहीं।
वो एक डायलॉग बोलना चाहते हैं। बोलिए 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 बोलिए। मुंशी जी, तोहफे देने वाले की नियत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। और ये फोन है, ये देखिए आप, देखिए खोलिए खोलिए इसको, ये अब आपका है, खोलिए धीरे धीरे। हाँ, इसको पहले निकाल दीजिए, इसको कैप को निकाल दीजिए। बहुत सारा फोन का आप लोग रिव्यू करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूअर, कुछ लोग पैसा लेके करते हैं, कुछ लोग बिना पैसा लेके करते हैं। कभी किसी गरीब को फोन दिया कीजिए आप लोग, जो बड़े बड़े रिव्यूअर हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी और भी, हम आपका निंदा नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं। बस कभी कभी जो है ना, आप लोगों को बहुत सारा फोन मिलता है, बहुत सारा फोन मिलता है, तो कभी किसी गरीब को दिया कीजिए। हम लोगों को मिलता नहीं है, हम लोगों को खरीदना पड़ता है, और खरीद के हम लोग, मैं दे रहा हूं इनको। 128 GB दिखाइए यहाँ पे, 128 GB है और 6 GB रैम है। सैमसंग मेड इन इंडिया, इंडिया में बनता है, नहीं तो कोरिया में बनता है। जो मैं दूसरा वाला फोन सैमसंग का रखा हूँ वो कोरिया में बनता है, तो हम लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं, इतना में है ना। ये कोरिया में बनता है, और जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मोबाइल जो है मैडम ने दिया है, फोल्ड फोर 512 GB। और ये लीजिए, एक खूबसूरत सा तोहफा आपके लिए, लीजिए। और इसमें सिम डालिए, इसको ऑन कीजिए, और इसमें एडाप्टर भी है ना जी, सब कुछ है, टेम्पर कवर, और डिस्काउंट आपके तरफ से रहेगा। मेरे भगवान और आपके अल्लाह जो है आपको खूब बरकत दे, आपको खूब आगे बढ़ाए, और साथ में मेरे भगवान, आपके अल्लाह और दुनिया के सभी भगवान जो है गरीबों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये विनती है। इसको बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब ये जो मेरा पैंट देख रहे हैं, देखिए मेरी माँ सी है, देखिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं दिल का बहुत अमीर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक शौक था जब मैं रिक्शा चलाया करता था, वो जीन्स का जो चलन नहीं चला था, मेरा भी शौक था कि एक जीन्स पहने, शर्ट पहने, मतलब जब 20-22 साल का था, शौक किया था, उसके बाद मतलब जो दिल में ख्वाहिश था, उसके बाद मतलब स्मार्ट हुआ, स्मार्ट बन के उसके बाद मतलब लाइन उन मारा गया, लेकिन ये ख्वाब ख्वाबे ही रह गया, बहुत शौक था उस समय, बहुत शौक। हाँ हाँ, बहुत। एक लड़की के पीछे भागे भी थे गाँव में, लेकिन गरीबी के कारण हाथ में नहीं आई। रिक्शा वाले से कौन प्यार करता है, पैसे वाले से प्यार करता है, प्यार पैसे से होता है सर, पैसे से होता है ना, इंसान से प्यार करता कौन, इसीलिए सारे नहीं किए। अब जिंदगी में तो धोखे खाए, अगर आदमी को कुछ सीखना है तो रिक्शा वाला से बहुत कुछ सीख सकता है। प्यार देखिए, अभी बोल रहे थे, एक चीज जरूर बोलेंगे, मैं तो उतना नॉलेज आदमी नहीं हूँ, प्रेम यानी लव, प्यार, इसका परिभाषा जानवर से अच्छा इंसान समझता है, जानवर। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे जितना खर्चा करता, अगर गर्लफ्रेंड मेरे पास होती तो शायद जो है मैं जितना कमाता हूँ उस हिसाब से जो है 20-25% अपने इनकम का तो गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर ही देता, और सब कोई करता है। इसीलिए मैं गर्लफ्रेंड नहीं रखा हूँ, कोई मेरे जीवन में नहीं है, और ये बता भी नहीं रहा हूँ कि कोई मेरे जीवन में आए, नो एंट्री है यहाँ पे। बस ऐसे लोगों की मदद के लिए जो पैसा बचता है वो इन लोगों की मदद कर देता हूँ। दोस्तों के साथ रखते हैं ना कि संगत एक ऐसा चीज है, जैसे आप पानी, वाटर को अगर नीला रंग में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, पीला में डालेंगे पीला हो जाएगा, लाल में डालेंगे लाल हो जाएगा, यानी संगत की जन्म सुधारक है। तो कुछ बैड लड़कों से भी संगत हो गई थी तो उसका तो दुष्प्रभाव तो लगेगा ही, कुछ अच्छे लोगों से भी संगत हो गई तो संगत सब बहुत बड़ा चीज होता है, फिर संगत अपना सुधारे, फिर आई हेट यू एवरी गर्ल। नेताओं के साथ तो हम लोग अक्सर सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, कभी किसी गरीब के साथ सेल्फी। कैसा फोटो है, उम्र तो दोनों का सेम है सर, ये गमछा बांध देते हैं बारी है, बिहार का शान है तो सर गमछा बांध, ये मेरा केटन हो गया है ना, चोट लगा गिर गया थे रिक्शा से, इसको छुपाने के लिए बांधते हैं ताकि अच्छा नहीं लगता है। चलिए ये रहा पहला खूबसूरत सेल्फी, देख सकते हैं।
और शायद जो है अगर इनके बगल में कोई लड़की होती मेरे बगल में ये इनके जगह पे, तो उतना खूबसूरत सेल्फी नहीं आता जितना ये भाई के साथ आया है। ये मेरे लिए भागशाली निकला है। नोकिया और ये सैमसंग और भी बहुत सारा ऑप्शन है। मैं जितना 1000 रुपए में इनको जिस कॉन्फ़िगरेशन का फोन दिया उतना में मैं 15000 रुपए में चाइनीज फोन भी दे सकता था, या ये सेम कॉन्फ़िगरेशन का मुझे 10000 रुपए में चाइनीज फोन आ जाता। लेकिन जब देश की बात करते हैं तो पूरी तरीके से देश की बात करेंगे। ठीक है, इसको रख लेंगे। चलिए, कम से कम मेहनत करके खाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं। और हाँ, एक और चीज, आपका दो दो रिक्शा चोरी हो गया था। जी सर, बहुत मेहनत करके रिक्शा लिए थे, बहुत पैसा काट काट के, मतलब पैसा हो नहीं रहा था, करीब 20-25 पैसेंजर से पैसा इकट्ठा करके और देना नहीं चाहता, रिक्वेस्ट कर करके धीरे धीरे कटा देंगे। फिर लिए, एक लिए, वही पुराना रिक्शा 5-6 हजार मिल जाता है। दो बार लिए, दोनों बार चोरी हो गया, 50 रुपए कम से कम बचेगा। अभी फिलहाल 40 रुपए जमा पे चला रहे हैं। ये दक्षिणी मंदिरी काटपुर का है ना, वहीं का रिक्शा है, 40 रुपए जमा लेता है। अभी 2 दिन इसका जमा गिरा हुआ है, दे देंगे उसको कमा के। 2 दिन गिरा हुआ है। चलिए ठीक है, आज दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आज दे देंगे, अभी है टाइम, देखते हैं। नहीं नहीं, हम लोग कुछ मदद करेंगे, फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। याद कर लो DS। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट मैं ले लिया हूँ, बता दूंगा, बोलिएगा मत, नहीं तो सब खोल लेगा सर। यूजर आईडी मैंने बना दिया है, अभी आपका जो है मतलब कि ईमेल आईडी बन गया, जो अभी तक नहीं था वो बन गया। अब आप यूट्यूब पे आ गए। अभी देखिए, आपके मोबाइल में मैंने 3 महीने का जो पैक आता है वो डलवा दिया है, और 4G का नेट भी आ रहा है। ये आपका YouTube चैनल भी हो गया है, ये आपका YouTube चैनल है, देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ हाँ, ले लीजिए, हमको आगे दिक्कत हो। हाँ, और सारा स्क्रीनशॉट में सेव होगा। और ये SACHTAKNEWS ये जो है हमारा चैनल है, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हमारा चैनल है। जो सर, जिसने आप रिक्शा में बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, आप बोले कि मैं मोबाइल दूंगा। हाँ। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया कि सचमुच कोई मुझे मोबाइल दे सकते हैं। आज तो यहाँ तक तो आदमी किसी को 5 रुपया हेल्प नहीं करता जब रिक्शा में भाड़ा नहीं है। धरती पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग नहीं, वो आपके बारे में नहीं करे। मैंने कानों में जब सुना तो ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया, लगता है आज मिलकर रहेगा क्या। लोग बोलते हैं कि भगवान को ढूंढेंगे मंदिर और मस्जिद में। यार, भगवान बनने का मौका आपको भी मिल सकता है, बनिए ना किसी के लिए भगवान, कौन रोका है? भगवान भी नहीं रोके हैं, आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आप भगवान पे भरोसा कर बैठे हैं, क्या पता भगवान आप पे भरोसा कर बैठा है। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। और अभी इनका जो है खूबसूरत सा मोबाइल जो है, और इनको जो है कवर ओवर के साथ जो है हम लोगों ने दे दिया। और मैडम, एक और चीज, कम यार। अब आपके दुकान में अगर कोई दूसरा रिक्शा वाला आएगा तो उसको डिस्काउंट कैसे दीजिएगा? सर, हम लोग ऑनलाइन प्राइस से कम। जी बिल्कुल, 100%। फिर से दुकान का एड्रेस बताइए आप। जी, मेरा दुकान है कदम कुआ में, बुद्ध मूर्ति के पास। हाँ। बीपी कॉम्प्लेक्स नियर SDFC बैंक, श्रीहरी के नाम से। श्रीहरी के नाम से, और सामने जो है ज्ञान गंगा है ना, अपोजिट ज्ञान गंगा किताब की दुकान है। किताब की दुकान है, तो सबको दीजिएगा। बिल्कुल, ऑनलाइन लोग चेक करेंगे इतना प्राइस है, उससे आपको कम दाम में देना है। बिल्कुल बिल्कुल देना है ना, पसीना नहीं ना होगा। ठीक है, चला जाए। आप चला जाए वो तो ठीक है, लेकिन आप, मैं जब भगवान का जिक्र आया तो मैं बचपन में रामायण देखा करता था, उसका एक किरदार था इंद्रजीत, उसको मेरे बहुत बड़े फैन उनका, मैं उनका आवाज का बहुत दीवाना हूँ। हाँ, बचपन में देखते थे, टीवी पर देखा था। तो निकालिए वो आवाज, आपको सुनाना चाहता हूँ। इंद्रजीत को कोई जीत सके ऐसा धीर वीर गंभीर योद्धा आज तक इस धरती पर अवतार नहीं लिया। लक्ष्मण, अगर तुझे श्री राम की आन है तो मुझे लंका की शान है। पिता श्री, मैं इस शस्त्र लक्ष्मण का वध करके नहीं आया, तो मेरा नाम भी इंद्रजीत नहीं, लेकिन याद रखना
अगर मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर राम को जीतना संभव नहीं असंभव है। अच्छा चलिए ठीक है। अरे ये देखिए भैया, ये देखिए आप उनको मोबाइल मिला है, एक नंबर सैमसंग का मोबाइल। अब इसी मोबाइल में मैं अपना वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग लाइक करते रहिएगा। हमारे यार थोड़ा ध्यान दो, गरीब रिक्शा वाला यार। दो बार इनका रिक्शा चोरी हो गया, इसलिए कहीं भी अब रिक्शा लगाते हैं तो उसमें ताला लगा देते हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनका नया मोबाइल, अब ये निकल रहे हैं यहाँ से। और 500 रुपया का आर्थिक सहयोग भी हम लोगों ने किया इनको। ऐसे ऐसे लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं पूरे बिहार का गरीबी थोड़ी दूर कर सकता हूँ, भगवान थोड़ी हूँ, सरकार भी नहीं हूँ, लेकिन एक आदमी के चेहरे पे तो खुशी ला ही सकते हैं। सादा मोबाइल जो है नोकिया का ये इस्तेमाल करते थे और मल्टी टैलेंटेड काम करते थे, तो सोचा कि एक मोबाइल जो है मैं इन्हें गिफ्ट करूँ, और मैंने गिफ्ट किया कुछ लोगों को। इसमें भी जाति धर्म और भी ना जाने क्या क्या लगेगा, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अपने हिसाब से काम करेंगे और लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। और धरती पर सिर्फ और सिर्फ दो ही जात है, एक अमीर है और एक गरीब है। गरीब का ये पूरा घर द्वार होता है, देखिए जो मैंने 500 रुपया दिया है उसको इसमें रख रहे हैं, ये देख सकते हैं ये चीज़ें हैं। और इसी में जो है इनका खाना पीना रहना सब कुछ होता है। मोबाइल भी उसी में रखिएगा क्या, इसी में? और मोबाइल ले जाके जो है बहन को दिखाइएगा। और ये मोबाइल पॉकेट में, अब यहाँ पे कमाने निकलेंगे। चलिए ठीक है, कभी कभी इन लोगों के रिक्शा पे आप लोग भी बैठा करें। तो अब चले, हम चलिए, हाथ मत जोड़े। चले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। ये जो मोबाइल है इसका नाम सैमसंग है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।